नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज के हमारे वीडियो भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ, PPOR यानी पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, PCD इलाहाबाद के द्वारा 3 अप्रैल 2019 को सर्कुलर नंबर 621 जारी किया गया है, जो कि हमारे PPOR हैं, जो कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद डिस्चार्ज हुए हैं, उनके पेंशन रिवीजन को लेकर। इससे पहले गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर पारित करने के ऑर्डर आए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका जो संदर्भ था वो लिया गया है 6 फरवरी 2019 का MOD का लेटर, और जिसमें डिसाइड किया गया था कि 18/8/2010 का जो लेटर है, जो कि पोस्ट 1 जनवरी 2006 के JCOOR जिनको ऑनरी कमीशन एज लेफ्टिनेंट कैप्टन ग्रांट किया गया है, उनको उनकी पेंशन को यहाँ पर रिवाइज किया जाए, और जो नोशनल पे हो गया इनकी रिवाइज पे स्ट्रक्चर में इन रैंक के लिए, वो वर्कआउट कैसे होगा कि उनकी जो 5th CPC के अंदर रिवाइज पे थी पे बैंड, प्लस जो 6th CPC के अंदर ग्रेड पे है, प्लस 6th CPC के रिवाइज पे स्ट्रक्चर में उनकी मिलिट्री सर्विस पे है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर नोशनल पे फिक्सेशन करके उनकी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। अब सर्विस पेंशन होगी जो हमारी ऑनररी कमीशन ऑफिसर की जो रिटायर्ड, डिस्चार्ज, इनवेलिड आउट, डाइट इन सर्विस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2006, उसको दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाएगा इन ऑर्डर का यूज करते हुए बाई पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी। और यहाँ पर पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी को एक ऑर्डर जारी किया है कि आप ऐसे इफेक्टेड केसेस के लिए सू मोटा कोरिकोंडम PPO इश्यू करें, और यहाँ पर अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी पेंशन को रिकैलकुलेट करें, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो। इसके साथ साथ ये ऑर्डर भी पारित किए गए हैं कि एक बार आपने सू मोटा कोरिकोंडम PPO यहाँ पर इश्यू कर दिए, तो इन केसेस को एक बार आप फिर से रिव्यू करें, उनकी पूरी लिस्ट निकालें, और अगर आपको इसमें कोई भी केस अफेक्टेड लगता है तो उसकी जानकारी आप PSH को फॉरवर्ड करें। आप इस लेटर को अगर देखना चाहते हैं तो PCDA इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट www.pcdapension.nic.in के ऊपर विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। मतलब 1 जनवरी 2006 के जितने भी इफेक्टेड केसेज हैं, इस सर्कुलर के अंदर जो भी आते हैं, उन सभी के यहाँ पर पेंशन रिवीजन के आदेश जारी किए गए हैं, और जल्द ही सू मोटा रिवीजन की हेल्प से यहाँ पर कोरिकोंडम PPO उनके इश्यू कर दिए जाएंगे, और आपको नोशनल पे फिक्सेशन का यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। मतलब नोशनल पे आपके रिवाइज होगी। तो वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूबल लगी होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फायदा मिल सके। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, किट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।